पांच मतलब परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध हों। हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि कुछ संगठनों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का भी फैसला किया। जो तीन परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग दो परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। नियोजित शिक्षक सरकार के जिस फैसले से जो नाराज चल रहे थे, जिस फैसले से उनकी परेशानियां बढ़ गई थी, अब वो फैसले सरकार ने उस फैसले में बदलाव किया है। जी हाँ, पहले नियोजित शिक्षकों को जो ऑनलाइन परीक्षा है उसके तीन मौके दिए जाने थे, लेकिन शिक्षकों का कहना था कि हम ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे, जो सक्षमता परीक्षा होगी वो हम ऑनलाइन देने में अक्षम है। तो ऐसे में अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नियोजित शिक्षकों को पाँच मौके दिए हैं, जिसमें तीन मौके ऑनलाइन परीक्षा और दो मौके जो हैं वो ऑफलाइन परीक्षा देने वालों को दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से नियोजित शिक्षक पूरी तरह से आंदोलित थे, तो ऐसे में सरकार बैकफुट पर आ गई और के पाठक ने जो फरमान जारी किया था, अब उस फरमान को लेकर सरकार है वो अब बैकफुट पर। ऐसे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, पहले हम आपको सुनाते हैं। 12 तारीख को या 13 तारीख को विधानसभा परिसर में हमने सभी शिक्षकों से, खासतौर से नियोजित शिक्षकों से, जिनकी सेवा का सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उनसे हमने अनुरोध किया था कि धैर्य रखें, ठीक है और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। और मुझे खुशी है कि कुछ संगठनों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का भी फैसला किया है। और यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी कठिनाइयां थी या जो शिक्षक प्रतिनिधिगण हम लोगों से मिलके शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी, उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में उनको दिक्कत थी, और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाजत से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है, और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं, और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो तीन परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग दो परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे, वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा। और इस तरीके से कुल लगभग पांच मतलब परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी, तीन ऑनलाइन होंगी, दो ऑफलाइन होंगी। जिन शिक्षकों की परेशानी थी कि इसको ऑफलाइन किया जाए, हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं। सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कहा है कि जो भी शिक्षक थे नियोजित शिक्षक, उनकी एकमात्र परेशानी थी वो थी ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा,
तो ऐसे में अब दो बार ऑफलाइन सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो परेशानियां थी कि हम ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा कैसे देंगे, वो कहीं ना कहीं सरकार ने दूर करने की एक पहल और एक कोशिश ज़रूर की है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।